आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में आवीजा नक्शा, ये मजलिस वक्फ इमलाक के तहत है जिसकी कोशिश है कि अपने मदानी मराकज व मसाजिद में ऐसे रहनुमाई के लिए नक्शे लगाए जाएं। एक जायजा पेश खिदमत है। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रजबुल मुरज्जब की पुरकैब साआतें जारी हैं। अगला महीना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शाबानुल मुअज़्ज़म और फिर माह रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। माह रमज़ानुल मुबारक में आशिकान रसूल की एक तादाद एतिकाफ़ करने की सआदत हासिल करती है। वो इस्लामी भाई जो एतिकाफ़ करते हैं उनके लिए एतिकाफ़ के मसाइल सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर जाने से हमारा एतिकाफ़ टूट जाएगा। मस्जिद में एक ऐन मस्जिद होता है, फिनाए मस्जिद भी होता है और ख़ारिज मस्जिद भी होता है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी से मस्जिद की तफसीलात पर मुश्तमिल एक नक्शा बनाकर तफसील के साथ और मुख्तलिफ़ रंगों के साथ मेंशन करके निशानदही कर दी गई है कि कौन सा हिस्सा ऐन मस्जिद है, कौन सा हिस्सा फिनाए मस्जिद है और कौन सा हिस्सा खारिज मस्जिद है, यानी कहां पर आप रहेंगे तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा और एतिकाफ़ की हालत में कहां तक जाने की इजाज़त है और वो मस्जिद के कौन से हिस्से हैं कि जहां पर अगर हम चले गए और हम मोतकिफ थे तो हमारा एतिकाफ़ टूट जाएगा। ये ऐन मस्जिद का नक्शा यहाँ पर आप मुलाहजा फरमा रहे हैं मस्जिद का, और ये मस्जिद के नीचे जो तह खाना है उसका भी नक्शा यहाँ पर लगा दिया गया है और मुख्तलिफ़ अहम मदनी फूलों पर मुश्तमिल कुछ तहरीर भी यहाँ पर आवेज़ा है जिसमें वजाहत की गई है कि कौन सा हिस्सा मस्जिद का है, कहाँ पर जाने से आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। आप भी अगर किसी मस्जिद के मुतवल्ली हो, मस्जिद की इंतज़ामिया में हो, आपकी खिदमत में भी मशवरतन अर्ज़ है कि अपनी मस्जिद का नक्शा बनाकर अभी इस मस्जिद के हिस्से में आवेज़ा कर दीजिए ताकि जो इस्लामी भाई आपके यहाँ एतिकाफ़ की सआदत हासिल करेंगे उनके लिए इस बात की वजाहत हो जाए, निशानदही हो जाए कि मस्जिद का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर वो शरअन नहीं जा सकते दौरान एतिकाफ़। अल्लाह तबारक व ताला हमें माह रमज़ान की आमद से पहले पहले ही माह रमज़ान की तैयारियां करने की सआदत नसीब फरमाए, नेक आमाल कसरत से करने की सआदत नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम माह रजबुल मुरज्जब में ये दुआ पढ़ा करते थे, हम भी ये दुआ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। करम ऐसा करे तुझे पे जहां में अल्लाह, करम ऐसा करे तुझे पे जहां में इस्लाम तेरी इस्लाम तेरी।